गुजरात के बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला सम्मान की हकदार है, राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला काम सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भैया की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और कहा है कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं, ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। अब 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को सरेंडर करना होगा। आपको बताएं तो अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस बानो के दोषियों को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफेंडेंट संख्या 3 ने यह नहीं बताया था कि गुजरात हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437 के तहत उसकी याचिका को खारिज कर दी थी। डिफेंडेंट संख्या 3 ने यह भी नहीं बताया था कि समय पूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, ना कि गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि महत्वपूर्ण फैक्ट्स को छिपाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी की ओर से गुजरात सरकार को माफी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुया की बेंच ने फैसला सुनाया है। बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और मामले पर अदालत में लगातार 11 दिनों तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने। इससे पहले 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। ये अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इससे पहले एक दोषी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि सजा माफी के आदेश ने दोषी को समाज में फिर से बसने की आशा की एक नई किरण दी है और उसे इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का पछतावा भी है। इसके कारण उसे पिछले समय पीड़ा हुई है। लूथरा ने दोषियों को मिली सजा रिहाई का बचाव किया था और कहा था कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 के आदेश के जरिए सुलझा लिया था। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।